आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिल्म मेकिंग का एक बहुत ही झक्कास रूल समझाने वाला हूँ जिसका नाम है 5 सेकंड रूल। अब देखिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी एक नया टर्म होगा। 99% जो नए फिल्म मेकर्स रहते हैं ना, उनके लिए एक नया टर्म रहता है, उनको पता ही नहीं रहता कि आखिर ये 5 सेकंड रूल होता क्या है। तो ये मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अच्छे से समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ना कि ये 5 सेकंड रूल होता क्या है। हो सकता है आपको सुनने में मैथ्स के जैसा लगे, लेकिन ये मैथ्स नहीं है। मैं मैथ्स का टीचर भी हूं, मैं फिल्म मेकिंग का टीचर हूं। तो आप लोगों को मैं समझाता हूं कि होता क्या है। देखिए, 5 सेकंड रूल में क्या होता है ना कि जब भी आप किसी भी शॉट को लेते हैं ना, कोई भी आप शॉट को ले रहे हैं ना, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको उसे 5 सेकंड तक शूट जरूर करना चाहिए। और आप उसे जब दिखा रहे हैं, आप जब एडिटिंग के दौरान भी ना, जब एडिटर से आप एडिट करवा रहे हैं, तो एडिटर को भी आपको ये बुद्धि देनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो लोग तो बैठते हैं एडिटिंग में साथ में एडिटर के। एडिटर एडिटिंग करता है और असिस्टेंट डायरेक्टर है या डायरेक्टर है, वो लोग बताते हैं, वो लोग गाइड करते हैं, थोड़ा ऐसा करो, ये वाला शॉट ऐसा लगाओ, इसको यहाँ पर ये करो, इसके पहले मुझे ये सीन चाहिए, इस तरह से गाइड करते हैं। तो अब क्या होता है ना कि आपको एडिटर को भी वहां पर ये दिमाग देना होगा कि आपको किसी भी शॉट को 5 सेकंड तक वहां पर दिखाना है। पूरा मैं आप लोगों को लाइन वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी इतने में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको किसी भी शॉट को 5 सेकंड तक कम से कम रिकॉर्ड करना है, शूट करना है, यही होता है 5 सेकंड रूल। लेकिन इतने में ये खत्म नहीं हो जाता, ये नाइग्रा फॉल है। इसका भी डीपर मीनिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरे गहराई से, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, आपने किसी भी शॉट को लिया, तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स क्या गलती करते हैं ना, कोई शॉट है, मान लीजिए कोई एस्टैब्लिशिंग शॉट है, अक्सर एस्टैब्लिशिंग शॉट को लिया जाता है स्टार्टिंग में मूवी के डालने में, या कोई सीन स्टार्ट हो रही है तो एस्टैब्लिशिंग शॉट को लिया जाता है कि माहौल कैसा है वो दिखाने के लिए। अब यहाँ पर नए फिल्म मेकर्स क्या गलती करते हैं ना, वो 1-2-3 सेकंड का उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे ही वो शॉट में लगा देते हैं। जब एडिटिंग होती है ना, तो उसे ही वो लगा देते हैं। लेकिन देखिए, इसमें गलती ये हो जाती है ना कि जब ऑडियंस उस शॉट को देखते हैं ना, तो उन्हें वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है जो आप दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक किसी भी ऑडियंस को, कोई भी ऑडियंस रहे, उन्हें 5 सेकंड तक कोई भी क्लिप नहीं दिखाया जाना, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो शॉट में है क्या, आप उन्हें दिखाना क्या चाह रहे हैं, वो माहौल कैसा है, नहीं समझ में आएगा। अभी देखिए, मैं ही आपके सामने यहाँ पर बैठा हुआ और 1 सेकंड के लिए आपके सामने एक इमेज आ गया और हट गया पट से, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप उसे पॉज करके ना देखें। अब फिल्म में तो ऐसा कर नहीं सकते, सिनेमा थिएटर में आप जाएंगे तो क्या करेंगे, पॉज करके देखेंगे। प्रोजेक्टर वाले, मुझे पॉज करके दिखाओ, मतलब होगा नहीं। तो ऑडियंस जो है, उनको समझ में भी आना चाहिए कि आप क्या दिखा रहे हैं। तो इसीलिए ये 5 सेकंड रूल जो है ना, वो फॉलो किया जाता है फिल्म मेकर्स के जरिए। अब देखिए, इसका डीपर मीनिंग क्या होता है, जब भी आप कोई एस्टैब्लिशिंग शॉट ले रहे हैं या किसी भी तरह का शॉट ले रहे हैं, आप काउबॉय में ले रहे हैं या मीडियम शॉट में ले रहे हैं, और वो ज्यादा देर का नहीं है, आपको बस दिखाना है, माहौल को एस्टैब्लिश करना है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट उसे 5 सेकंड तक शूट करना है। ऐसे तो शूट आपको 10 सेकंड तक करना चाहिए, क्योंकि 10 सेकंड आप शूट करेंगे ना, तो उसे काट करके आप 5 सेकंड का लगा सकते हैं। लेकिन आपको यूज जो है, कम से कम 5 सेकंड तक जरूर करना है। उससे ज्यादा आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम आपको 5 सेकंड तक जरूर उसे एड करना है अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान। जब भी आप उस सीन की एडिटिंग करेंगे ना, 5 सेकंड तक एडिटर को जरूर बोलिए, या फिर आप खुद एडिट कर रहे हैं, जरूर उसे 5 सेकंड तक वहां पर दिखाइए, तभी ऑडियंस समझ पाएंगे कि आप क्या इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, वो देख पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि वहां क्या दिखाया जा रहा है। उसी तरीके से जब आप कोई रिएक्शन शॉट्स ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई सीन चल रहा है, उसमें जो कैरेक्टर है उनका आप एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, रिएक्शन शॉट्स दिखा रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं ना, उसे भी एटलीस्ट 5 सेकंड तक आपको दिखाना चाहिए स्क्रीन पर। जैसे मान लीजिए कि आपस में कुछ लोग बातें कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर इंसान का आप रिएक्शन दिखा रहे हो, गर्ल है, बॉय है, कुछ भी है, आप उसका रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो आप दिखा दीजिए कि हाँ वो हंस रहा है ऐसे ऐसे करके 5 सेकंड तक। 1 सेकंड तक आप दिखा देंगे हंस रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। तो एक अगर वो हंस रहा है तो एक आप दिखाइए कि 5 सेकंड तक वो हंस रहा है ऐसे करके, तो वो पता चलेगा एक ऑडियंस की कि हाँ वो हंस रहा है, रो नहीं रहा है। तो ये आपको करना है। तो रिएक्शन शॉट जो रहता है ना, उसके लिए भी यही नियम है कि आप कोई एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं तो आपको उसे 5 सेकंड तक स्क्रीन पर दिखाना है। अब देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ा बहुत आप उसे कम कर दीजिए, 4 सेकंड कर दीजिए, हद से हद करना चाहे तो 3 सेकंड कर दीजिए। 1-2 सेकंड का तो रिएक्शन शॉट्स आप बिल्कुल मत दिखाए, वरना ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि किसका रिएक्शन आया। अंडरस्टूड?
आगे इसकी और जो डीपर मीनिंग है वो समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा फ्रेमिंग और कैमरा शॉट साइजेस में अपने आप को माहिर बनाना चाहते हैं ना, तो इस पर हमारी ईबुक है, आप उसे बाय कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स पीओवी पार्ट 1, 2, 3, 4 आप बाय कीजिए, जिसमें कैमरा शॉट साइजेस, एंगल्स, मूवमेंट्स और फ्रेमिंग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। तो आप उसे सीखिए और सीख करके अच्छे से कैमरा एंगल्स को अप्लाई कीजिए। इन ईबुक्स को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको शॉट को कैसे लेना है प्रॉपर तरीके से, और ये ईबुक्स आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में हमेशा के लिए सेव रख करके पढ़ सकते हैं। तो डायल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर को और बाय कर लीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अब उसके अलावा जो होता है ना, जो ट्रांजिशंस आती है, जब भी एक शॉट दूसरे शॉट में बदलता है या फिर एक सीन दूसरे सीन में बदलता है ना, तो क्या होता है, बीच में एक ट्रांजिशन आता है कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, तो वो ट्रांजिशन भी कम से कम आपको 5 सेकंड्स तक दिखाना चाहिए। मान लीजिए कि डिसॉल्व टू ट्रांजिशन है, तो डिसॉल्व टू ट्रांजिशन भी आपको 5 सेकंड्स तक रखना चाहिए, ताकि डिसॉल्व होकर के जब दूसरा सीन आए ना, तो ऑडियंस को फर्क पता चले, वरना अगर आप 1 सेकंड का रख देंगे तो उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा ना, ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि वहां पर क्या हुआ, उन्हें जर्क टाइप का लगेगा। तो ट्रांजिशन के लिए भी यही रूल है कि आपको 5 सेकंड्स तक उसे दिखाना है। तो देखिए, ये होता है डीपर मीनिंग 5 सेकंड रूल का, ये नहीं कि 5 सेकंड तक रिकॉर्ड करना यही हो गया। इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय।